नमस्कार, मैं विजय आप सभी का अपने YouTube चैनल करीमा IAS में स्वागत करता हूँ। आज 21 दिसंबर 2017 है और दिन है बृहस्पतिवार। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को देख रहे थे और मौलिक अधिकार में जो है हम लोग दो वीडियो को देख चुके हैं जहाँ तक हो सका है। हम लोग कहाँ तक देखे हुए हैं मौलिक अधिकार, आप लोगों को पता है कि अभी वर्तमान में जो है 6 प्रकार का है, ठीक, जिसमें कि हम लोग समता का अधिकार को देख चुके हैं और स्वतंत्रता के अधिकार को जो है हम लोग देख रहे थे, जिसमें कि स्वतंत्रता का अधिकार को जो है अनुच्छेद 19 को हम लोग देख चुके हैं, वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, उसमें हम विभिन्न चीजों को देख चुके हैं। आज देखेंगे हम अनुच्छेद 20 को, ठीक। अनुच्छेद 20 में क्या चीजें हैं उसको हम लोग देखेंगे, तो चलिए हम लोग उसको शुरू करते हैं, ठीक। फ्रेंड्स, हमें यहीं से देखना है जिसमें कि हम लोग इसको, आप लोग को पता है कि हम लोग अनुच्छेद 19 को जो है देख चुके हैं, अनुच्छेद यह जो है 20 हम लोग को देखना है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 में हम बता चुके हैं आपको क्या पढ़ना था, उसको हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे अनुच्छेद 20 को, और इसमें पढ़ेंगे अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण, ठीक। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराधी घोषित हो जाता है, ठीक, अपराधी घोषित है दोषी के संबंध में, लेकिन अभी अपराध के लिए उसको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक, लेकिन उसको क्या दंड दिया जाए, क्या प्रावधान किया जाए, तो वह दोष सिद्ध, अपना दोष जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक तो कुछ संरक्षित कर सकता है ना। अभी दोषी नहीं पाया था क्योंकि तो जब तक प्रूफ नहीं होगा, जब तक साबित नहीं होगा कोई चीज है कि वो अपराधी है, तब तक तो दंड का प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में, आप सभी को पता है। तो वही है कि जब तक वह दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक के लिए तो उसको संरक्षण चाहिए ना। इसलिए इन अनुच्छेद में जो है व्यवस्था की गई है, मौलिक अधिकार में जो है इसको एक तरीके से बोलिए कि जगह दिया गया है, ठीक। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इस अनुच्छेद के जो है 3 खंड है। कितने खंड है इस अनुच्छेद के? 3 खंड है। प्रत्येक खंड जो है अपराधों के लिए दोषी के संबंध में जो है संरक्षण प्राप्त करता प्रदान करता है। मतलब प्रत्येक खंड जो है अपराध, अगर मानते हैं कि अपराधी के लिए कोई दोषी व्यक्ति है, अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन उसको सिद्ध किया जाना है अभी न्यायालय में ले जा करके, ठीक, तो उससे पहले तो इसको संरक्षण चाहिए ना। या कि अभी कुछ अभी हुआ नहीं, दोष सिद्ध अभी हुआ नहीं, उसको कोई, मान लीजिए कि कोई ऐसा कड़ा, कोई ऐसा अनहोनी हो जाए, ठीक, कोई कड़ा दंड दिया जाए, तो ये जो है संविधान जो है यह मौलिक अधिकार का जो है हनन है, एक तरीके से बोलिए, ठीक, यह मौलिक अधिकार का हनन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला में क्या है। इसमें जो है पहला है अर्थात 20 का क, इसको मान सकते हैं, ठीक, 20 का पहला। इसमें जो है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, कि पहले से कोई कानून जो है प्रभाव में नहीं है, ठीक। अगर जब तक कि, मतलब इसका मतलब यही है, कोई पूर्व से है, कोई पूर्व से किसी चीज के लिए जो है कानून प्रावधान नहीं है, कि मान लीजिए कोई अपराधी घोषित होता है उसी समय जब अपराध अपराध के लिए अरेस्ट किया गया और उसी समय उसको दंड भी कर दिया जाए, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि उस प्रभाव में नहीं है। वह कानून जो है तब प्रभाव में आएगा जबकि उसका दोष सिद्ध हो जाए, ठीक। कोई भी मान लीजिए कि कानून है हमारे संविधान में, तब तक उसको दंड किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा जब तक उसका दोष जो है साबित नहीं हो जाए। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया हो। विधि मतलब समझ रहे हैं, कानून होता है। मान लीजिए कि कोई अपराध हुआ किसी समय पर, कोई भी अपराध हो सकता है, चोरी, आपको मर्डर, कोई भी हो सकता है, लूटपाट, ठीक, और हिंसा फैलाना, उपद्रव फैलाना, कोई भी अपराध हो सकता है, ठीक। तो उस अपराध के समय जो आपको लागू है कोई विधि कानून, कानून तो लागू है ना, कि इस शांति में कोई को जो है, अगर कहीं भी शांति को और शांति से जो है सम्मेलन हो रहा है उसमें किसी को विघ्न बाधा नहीं डालना है, और इस स्थिति में ये सारी चीज जो है हमारे मौलिक कर्तव्य में भी लिखे गए हैं, सार्वजनिक स्थानों को जो क्षति नहीं पहुंचाना है, तो कर्तव्य में लिखे गए हैं, अगर ऐसे कोई पकड़े जाते हैं तो उन पर जो कार्रवाई होगा, तो उस समय जो है अगर वह लागू विधि, लागू तो विधि है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा, तो उसका उल्लंघन जब तक नहीं करेगा ना तब तक किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जाएगी, अर्थात उसे जो है आपको क्या नहीं किया जाएगा, अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक, उसको अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा तब तक जब तक कि उसने विधि का उल्लंघन नहीं किया हो, ठीक। संविधान में जो भी विधि उल्लिखित की गई है उस विधि का अगर वह उल्लंघन न करता है तब तक उसको अपराधी घोषित नहीं कर सकता है कोई भी, ठीक। उसके बाद है दोहरी क्षति, ठीक। यह दोहरी क्षति क्या है, कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है, यही अनुच्छेद 20 के दो में है, याद रखिए काफी बार ये पूछा जाता है, ठीक। कोई भी व्यक्ति जो है एक अपराध के लिए दो बार से अधिक जो है उसको दंड नहीं दिया जा सकता है, अर्थात एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है हमारे संविधान में, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है। तो बोलिए कि कितना अच्छी बात है हमारे मौलिक अधिकार के लिए व्यक्तियों के, नहीं तो सोच लीजिए किसी व्यक्ति को अगर कोई
कोई एक अपराध के लिए उसको अरेस्ट किया जाता है और उसको बार 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 उसी दंड के लिए जो है उसको दंडित किया जाए, तो क्या होगा? मौलिक अधिकार का हनन होगा कि नहीं? स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसका हनन होगा, बार बार अरेस्ट करना, बार बार उसको कड़ा दंड देना। तो इसके लिए जो है जब तक साबित नहीं होगा, देखिए कितना अच्छा बात है, जब तक उसको साबित नहीं होगा कि वो विधि का उल्लंघन किया है, तब तक जो है उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। और दूसरा बात यह कि उसको एक बार से ज्यादा है दंड भी नहीं दिया जाएगा। तो देखिए ये कितना सुरक्षा प्रदान करता है, रक्षा करता है ना व्यक्ति के लिए, हमारे नागरिकों के लिए, हम लोगों के लिए, ठीक? तो देखिए कितनी अच्छी बात है। इस अब अगला देखते हैं, स्व अभिशंसन नहीं। स्व अभिशंसन का मतलब होता है कि खुद को जो है बाध नहीं करना, खुद को बाध नहीं करना, मतलब वो चाहे मान लीजिए राज्य हो, राज्य सरकार या सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अधिकारी पदाधिकारी कोई भी हो, कोई भी अंग हो सकता है, ठीक? थाना हो, आप कोई प्रशासन का कोई अंग हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को अगर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक, तो उसको जो है आपको बाधित नहीं किया जाएगा, ठीक? उसको क्या किया नहीं किया जाएगा? बाधित, कि तुम कबूलो, कि तुम कबूलो कि ये दंड तुम किए हो, ठीक? ऐसा कुछ नहीं करना है, तुम जबरदस्ती ये नहीं करवाना है कि तुम एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो कि हाँ हम किए हैं, ऐसा कोई नहीं करेगा, ठीक? ये भी मौलिक अधिकार का जो हनन है, इसका जो है मानसिक इफेक्ट पड़ता है। हम आपको बताए थे कि अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमारे मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक विकास में जो है अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक? तो किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को जो है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि कोई अपराध के लिए अभियुक्त पाया जाता है, कोई अपराध में कोई व्यक्ति जो है आपको संलिप्त पाया जाता है, मान लीजिए, तो उस अपराध में अभियुक्त व्यक्ति है, उसको आपको प्रूफ करने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कानूनी प्रक्रिया, जो जो भी संविधान में कानून है, उस प्रक्रिया से कोई आपको आपको गवाह पेश किया जा सकता है, कोई दलील ली जा सकती है, कोई सबूत जब तक नहीं होता है तब तक नहीं। ये नहीं कि बंद करके उसको कारागार में और दे ठोकाई कीजिए, जब तक नहीं बोलता है तब तक, ऐसा नहीं है। वो जो भी होता है ना, वो गलत काम होता है, ठीक? जो भी होता है, या अगर भी ऐसा भी होता है, तो उसको जो है उसके लिए भी प्रावधान है, किन किन क्षेत्रों में जो है वो भी जो है हथकंडा अपना सकता है सरकार या राज्य। तो वो जो है आपको निवारक निरोध अधिनियम के तहत जो है वे सारे होती हैं, या विदेशी नागरिकों पे हो सकता है, ठीक? अब हम लोग देख लिए अनुच्छेद 20 को, वही था अनुच्छेद 20, ठीक? तो हम लोग क्या देखे, तो अनुच्छेद 20 में हम यही देखे थे, देख लीजिए हम अनुच्छेद में क्या 20 में देखे कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक? दोष सिद्धि के संबंध में हम क्या क्या हमको संरक्षण प्रदान किया गया है उसके बारे में जो हमने संविधान में दिया गया है, ठीक? अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के, हम लोग देख रहे थे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार देख रहे थे। पहले अधिकार को हम समता का देखे, दूसरा में स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार में पहला देखे हम वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, ठीक? दो में देखे कि हमको, दो में देखे, दूसरे नंबर में हम लोग अभी देखे हैं जो कि 20 अनुच्छेद था, वो पहला अनुच्छेद था 19, यह 20 में देखे कि दोष सिद्धि के संबंध में जो है संरक्षण किसी अपराध के लिए, और तीसरा जो हम देख रहे हैं, तीसरा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक? प्राण और दैहिक, कोई भी व्यक्ति जो है अपने शरीर से पूरा स्वतंत्र रह सकता है, ठीक? उस पर किसी प्रकार का अगर अवरोध होता है उसके शरीर पर किसी भी प्रकार से, ठीक, तो उसको जो है आपको उस पर केस लगाया जा सकता है, उसके विरुद्ध में जो है न्यायालय में जा सकता है व्यक्ति, ठीक? तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, विधि मतलब कानून अर्थात संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा जो है अन्य किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से जो है वंचित नहीं किया जा सकता। अगर कानून में जो भी चीजें लिखी गई हैं कि इन इन तरीकों से जो है किसी व्यक्ति को जो है अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक, और इसके अलावे दूसरा कोई भी तरीका नहीं है उसके द्वारा जो अगर कोई भी अरेस्ट करता है तो वो जो है अपराध करता है, वो स्वयं अपराध करता है, ठीक? वो चाहे राज्य हो या सरकार का कोई अंग हो या प्रशासन हो, ठीक? तो इतना समझ में आ गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा जो है अन्य किसी व्यक्ति को जो है आपको इसको जो है आपको स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक? आइए आगे देखते हैं इसके जो है अनुच्छेद, इसी के आप लोग अनुच्छेद 21 है। कल जो है एक योगेश नाम के हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, योगेश नाम के जो है एक सदस्य जुड़े हुए हैं, वे भी अभ्यर्थी हैं, वे भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि सर जो यह शिक्षा अधिकार जो सन 2002 में जोड़ा गया, ठीक, 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के द्वारा जो जोड़ा गया 21 के क में, किस में जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, ठीक, तो क्या सर यह मूल अधिकार में जब जोड़ा गया तो क्या यह मूल अधिकार हम लोग का तो साथ नहीं हो जाएगा? ये उनका यही प्रश्न था। तो योगेश जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यह जो है जब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जब बात किया जाता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, सबसे पहले तो हम स्वतंत्रता का अधिकार देख ही रहे हैं,
और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर हमको केवल शारीरिक स्वतंत्रता से मतलब, केवल शारीरिक स्वतंत्रता से ही मतलब नहीं, यहाँ पर जीवन जीने का अधिकार भी इसी में शामिल है। जीवन जीने का अधिकार, और केवल जीवन जीने का अधिकार इसी तरह शामिल नहीं है अनुच्छेद आपको 21 में, जीवन जीने के अधिकार का सम्मान के साथ गरिमापूर्ण जो है जीवन जीने का अधिकार है। ठीक, अगर कोई भी अगर, और स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण में, और आपको किसी भी प्रकार के जो है, अगर थोड़ा भी लगता है कि आपके शरीर जो है आपके साथ अस्वतंत्रता होती है, आपको 100% अगर कोई भी नया दवाई मार्केट में जो है लॉन्च होता है, ठीक, अगर उसके किसी शरीर को जो है, अगर उसका मतलब एक तरीके से बोलिए कि उसको ह्रास कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है उसके शरीर में, तो आप जो है न्यायालय की रुख कर सकते हैं। ठीक, न्यायालय की रुख कर सकते हैं, अर्थात आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई शारीरिक रूप से, आपको शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस पर, केवल तो केवल प्रकृति का ही, प्रकृति मतलब नेचर अर्थात गॉड जिसको हम लोग बोलते हैं, भगवान का ही अधिकार है। अर्थात भगवान तो किसी को दंडित तो करते नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार भगवान की तरह ही संविधान भी करेगा। ठीक, यहाँ पर हमको ध्यान रखा जाता है नैसर्गिक सिद्धांत को, नैसर्गिक अधिकार की सिद्धांत को देखा जाता है, नैसर्गिक मतलब प्रकृति के न्याय के सिद्धांत को देखा जाता है, प्रकृतिक नेचुरल जस्टिस। ठीक, तो उसी को ध्यान में रखा जाता है। तो वो कल पूछे कि आपको कल पूछे हुए थे कि आपको शिक्षा का अधिकार से संबंधित, तो हम यही बोलना चाहते हैं, आप लोगों को पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग है, और स्वतंत्रता में हम लोग जीने का अधिकार है, वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। इसी के तहत जो अभी हाल फिलहाल में जो आपको आपको निजता का अधिकार अर्थात प्राइवेसी का अधिकार को लेकर के अभी हाल फिलहाल में मुद्दा काफी छाया हुआ है आधार कार्ड को लेकर के। आधार कार्ड का क्या है इस कहानी हम बता दे रहे हैं, आधार कार्ड को लेकर के आपको यह है कि इसमें जो है आपको एक जनहित याचिका दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, कि इससे जो है आधार कार्ड में सारा डेटा लिया जा रहा है, सारे नागरिक का, उनका आँख का, उनका फिंगरप्रिंट, हाथ का, सारे लोगों का लिया जा रहा है, और इसका दुरुपयोग ना हो। क्या हो? दुरुपयोग सरकार अगर भविष्य में कोई कर देती है, सारा डाटा तो चला जाएगा, उसका कहीं दुरुपयोग हो, कहीं दूसरे जगह जा करके दूसरा कोई डाटा निकाल लेता है, आपके पास तरह तरह के मैसेज आने लगते हैं, आपके नंबर कैसे उनके पास पहुंच जाते हैं, तो समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से अगर आप जो है, इसका उदाहरण भी सामने देखने को आया था कई बार, कि अगर आप जो है वायुयान का या एयरपोर्ट पे जाते हैं, अगर दूसरी जगह अगर जाते हैं, तो आप वायुयान में अगर टिकट कटा करके किसी शहर में, दूसरे शहर शहर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर पहुँचने से पहले जो है आपके मोबाइल पर नंबर आने लगता है कि इस होटल में यहाँ पे रहने का व्यवस्था है, इस होटल में यहाँ पे रहने का व्यवस्था है, तो सोचिए ये उसके पास इन्फॉर्मेशन आपका कहाँ से पहुँचा, सोच रहे हैं, तो यह इन्फॉर्मेशन कैसे उनके पास पहुँचा। तो कहीं ना कहीं हमारा सरकार जो है, यह एयरपोर्ट वाले जितने भी कंपनियां हैं, आपको एयर वाले, आपको वायुवान वाले, तो ये जो कोई ना कहीं जो है ये अप्लीटेड है उन सारी चीजों से। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका दुरुपयोग हो रहा है, मान लीजिए कि इन तरीकों से अगर दूसरा चीज अगर हो जाता है, कहीं पे कुछ मैसेज आता है, जैसे कि आप लोग और 50 लाख इतना इनाम का जो मैसेज आता है आपके नंबर पर कैसे आता है, तो इसी को लेकर जो है इस पे बहुत चला। ठीक, तो इसी को लेकर जो है आपको निजता का अधिकार जो है ये ऐसा कहिए किया गया, निजता का अधिकार प्रश्न रखा गया उच्चतम न्यायालय के सामने, आपको इसके लिए आपको 5 सदस्यीय बेंच भी बैठाया गया था, हाल फिलहाल की बात है, पिछले माह मतलब 2-1.5 माह का ये बात है, इससे ज्यादा पहले का बात नहीं है। ठीक, अगस्त के लगभग, अगर जून जुलाई अगस्त के लगभग जो है इस पर सुनवाई चली गई थी, उसी समय जो है 3 तलाक का मामला भी जो था काफी गर्माया हुआ था। ठीक, तो उस समय न्यायालय यह आदेश दिया कि निजता का अधिकार जो है, निजता का अधिकार वह जो है जीवन जीने का अधिकार में है, जीवन जीने के अधिकार में है, जीवन जीने का अधिकार जो अनुच्छेद 20 में ही प्रदान किया गया है। जीवन कैसे जिएगा? जब आपको स्वतंत्रता रहेगा, दैहिक स्वतंत्रता रहेगा तभी ना, तो जीवन जीने का अधिकार जो है इसी में शामिल रहेगा। ठीक, और जीवन आप कैसे अच्छे तरीके से जी सकते हैं जब आप स्वतंत्रता हो, और जीवन और गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, इसमें एक उदाहरण भी पेश किया गया था, वह उदाहरण कुछ इस प्रकार था, आप लोग सुन लीजिए, वह उदाहरण कुछ इस प्रकार था। न्यायालय कहा था कि आप अपने, मान लीजिए कि आप अपने बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो ये तो सार्वजनिक मामला है, इसमें कोई निजता की जरूरत नहीं है, सभी कोई जान सकता है, इसमें तो कोई निजता नहीं है, तो ठीक, यहाँ तो कंडीशन सही है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पति पत्नी है, उसके कमरे का कोई भी बात होता है, अगर बाहर लीक होता है, ठीक, कोई भी पति पत्नी है, और तो वो उसके गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला होता है, अगर अगर मौलिक अधिकार निजता का अधिकार को घोषित नहीं करता, तो सोचिए न्यायालय में उधेड़ दिया जाता। ठीक, अपने भारतीय समाज में जो नारी का सम्मान दिया जाता है, अपने विरासत रहा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को उठा करके देखिएगा, शुरू से ही मान मर्यादा दिया गया है नारियों को। ठीक, एक पर्दा में, एक मर्यादा में रख करके ही बातें की जाती हैं कोई भी चीज़, तो न्यायालय में अगर निजता का अधिकार नहीं दिया जाता ना, तो महिलाओं और पुरुषों की जो थी ये सारी चीज़ें, जितने भी अगर गरिमामय चीज़ें थी जिनको कि बोला नहीं जा सकता है, ठीक, सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक तरीके से बोलिए कि उनको सम्मान को जो है चोट पहुंचाया जा रहा है। ठीक, नारियों के सम्मान के साथ चोट पहुंचाया जा रहा है, तो इन तरीकों से जो है उसको मानना पड़ा कि जीवन जीने का अधिकार के साथ जो है आपको निजता का अधिकार काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उसी तरीके से इन्होंने पूछा कि शिक्षा का अधिकार, तो एक बताइए, एक बात बताइए कि स्वतंत्रता का अधिकार हम सभी को मिला हुआ है, मानव मानव और पशुओं को, सभी सभी जीवों को मिला हुआ है, तो स्वतंत्रता का अधिकार अब वहां पे आता है कि गरिमामय
जीवन जीने का, तो पशु को मिला हुआ है गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, नहीं ना मिला हुआ है हम लोग को, मानव को, और राज में मिला हुआ है। राज क्या है हम आपको बताए हैं, शुरू से वीडियो देखिएगा ठीक। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप गरिमामय जीवन तभी जी सकते हैं जब आपके पास शिक्षा का अधिकार हो, एजुकेशन। आप एजुकेशन के बिना जो है आप पशु के समान है, बिल्कुल पशु के समान है कि नहीं। तो इसलिए जो है आपको शिक्षा का अधिकार इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है ठीक। तो इसलिए योगेश जी आपका जो है, हमको लगता है कि आपके प्रश्न का जो है उत्तर मिल गया होगा कि ये शिक्षा का अधिकार को जो है 21A के अंतर्गत जो है आपको इसी के अंतर्गत जो है शामिल किया गया, 21 के अंतर्गत, यह कोई अलग से नहीं है। जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं ना, शुरू में आप लोग हम देखे क्या आपको समता का अधिकार, तो समता का विधि के समक्ष समता उसके अंदर प्रावधान किए गए थे, उसी के प्रकार जो है इसको भी अंदर से अंदर प्रावधानित किया गया। तो उसमें आपको अनुच्छेद और समता का अधिकार में विधि के समक्ष समता मिलता था, लिंग आधार जाति भेद के आधार पर जो है कि कोई इसके साथ विभेद नहीं करना, उसके बाद जो था सरकार के जो भी नियोजन आएंगे उसमें जो है भेदभाव नहीं करना, उसके बाद अस्पृश्यता था, उसके बाद उपाधियों का अंत था। तो क्या ये सारे भी तो अगर जोड़ेंगे तो ये भी तो बहुत ज्यादा मूल अधिकार हो जाएंगे। मूल अधिकार मूल रूप से हमारे 6 हैं, ये भी सारे मूल अधिकार हैं लेकिन उसके अंग हैं ठीक। तो उसी तरीके से जो है यह जो शिक्षा का अधिकार है यह इसका अंग है ठीक, अनुच्छेद 21 का अंग है ठीक। तो इसलिए यह मत बोलिएगा कि शिक्षा आपको जो है, यह शिक्षा का अधिकार जो है आपको 7वां अधिकार है ठीक, हम यही बोलना चाहते हैं ठीक। अब आइए अगला देखते हैं कि 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। आप सभी को पता है इसके अनुसार जो है राज्य जो है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक ये सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अनिवार्य उपलब्ध कराएगा। क्या कराएगा राज्य, राज्य मतलब समझ रहे हैं सरकार होता है, राज्य सरकार हो, गवर्नमेंट हो, विधानमंडल आपको, संसद हो सकता है, कोई भी आपको, शुरू से बताते आ रहे हैं, शुरू से वीडियो देखिए समझ में आएगा ठीक। निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा देने का जो है व्यवस्था करेगा ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब आइए हम कुछ आगे चीजों को देख लेते हैं ठीक। आपको जो यह जो है शिक्षा का अधिकार तो आपको मौलिक कर्तव्य में भी है, सबसे लास्ट में जो है हम लोग को 51 क में देखना है ना, मौलिक अधिकार को बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में, सॉरी मौलिक कर्तव्य के बारे में देखना है ठीक। तो उसमें हम लोग को सबसे लास्ट में देखना है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को जो है बच्चे के माता पिता या प्रतिपालक का संरक्षक जो है अर्थात उनको जो पाल पोस रहे हैं अभी वो उनके शिक्षा के अवसर प्रदान करें, नहीं तो वो कानूनी अपराधी कर रहे हैं एक तरीके से बोलिए ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे हम भी यही मान रहे थे, मेरी भी यही धारणा थी जब हम संविधान नहीं पढ़े हुए थे कि हम लोग का जितना भी अधिकार है ना हमारे माँ बाप के ऊपर है, वो चाहे तो पढ़ाए नहीं पढ़ाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर राज्य में रहना है हम लोग के पापा के खिलाफ, हम लोग के माता पिता के खिलाफ जो है केस भी हो सकता है ठीक, उसके विरोध में जो है कार्रवाई हो सकती है अगर हम लोग को नहीं पढ़ाते, तो हम लोग का अधिकार है, हम लोग का अपना अधिकार है, माता पिता कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए ये काफी अच्छी चीजें हैं, विकास की ओर जाती हैं ये सारी चीजें ठीक। ये 21वीं सदी में मानव की कहीं ना कहीं बोलिए कि ये अच्छा चीज है ठीक, इसी तो लोकतंत्र को सर्वोपरि माना गया है, लोकतंत्र में संविधान की आवश्यकता पड़ती है ठीक। अगले पॉइंट को देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ, कुछ मामले ऐसे सामने आए जिसमें कि यह कुछ चीजों को जो है सामने खुल करके आया आपको मौलिक अधिकार से संबंधित। आपको सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम संघ 1978 एक मामला आया ठीक, मेनका गांधी से संबंधित था और भारत संघ, भारतीय संघ समझ रहे हैं ना, भारत संघ यूनियन केंद्र सरकार मान सकते हैं। यह कहा कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किए जाने संबंधित प्रक्रिया उचित किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण से कब आपको अलग किया जा सकता है, उसको जो है स्वतंत्रता से जो है उचित आपको, और रिजू, रिजू का मतलब होता है सीधा, अस्पष्टवादी और साफ सुथरा, युक्ति संगत होनी चाहिए ठीक। तो इसका मतलब क्या है, 1978 मामले में यही कहा गया किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किए जाने संबंधित प्रक्रिया जो है उचित होना चाहिए, रिजू होना चाहिए अर्थात अस्पष्ट होना चाहिए, नहीं कि अस्पष्टता नहीं दिखती हो। और इसी तरह किसी भी मामले को लेकर के हम ले जाए संविधान में उसकी जो है धुंधलापन दिख रहा हो और उसी तरह उसको ले जाकर के कोई फांसी पर चढ़ा दें, ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए ठीक, आप लोग समझ में आ गया। और एक और मामला आया था, ये मामला आप लोग को उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन सुनिए ना, बहुत इंटरेस्टेड लगता है ठीक, यही रुचि बढ़ाता है ये संविधान में ठीक। ज्ञान और ज्ञान कौर और बनाम स्टेट ऑफ, आपको स्टेट ऑफ पंजाब मैंने पंजाब राज्य से आपको ज्ञान कौर किसी व्यक्ति का नाम है, किसी नागरिक का नाम था, और यह स्टेट बैंक अर्थात स्टेट ऑफ बैंक बोल रहे हैं, स्टेट ऑफ पंजाब अर्थात पंजाब राज्य से जो था, पंजाब राज्य में एक मामला सामने आया 1996 में। इस मामले के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय यह कहा, यह जो है सर आपको वहाँ का राज्य का मामला यह पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में ठीक, और सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है प्रदत्त जीवन का अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है ठीक। उसमें
याचिका आया। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है प्रदत्त जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 क्या देता है हम लोग को, जीवन का अधिकार देता है, और उसके अंतर्गत जो है मृत्यु का अधिकार नहीं देता है। इसलिए आप लोग के दोस्त, आप लोग के घर के अगल बगल जो भी बच्चे हैं उनको ये सारी चीजें बताइए कि तुमको जो है अब मरने का अधिकार नहीं है, आत्महत्या न किया करो। बच्चे बहुत ज्यादा मरते हैं तो क्या करते हैं, ये खुद बोलिए कि एक तरीके से उनको अधिकार नहीं दिया गया है, और जो चीजें हम हमारे अधिकार में नहीं है उन चीजों पर जो हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है। अब अधिकार ही हमारे अधिकार के बाहर का क्षेत्र है, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति, पढ़ा लिखा इंसान, संविधान को गरिमा में ध्यान रख करके आप अपने अगल बगल के जितने भी बच्चे हैं उनको ये सारी चीजें बताइए कि ये तुम्हारे अधिकार का क्षेत्र नहीं है। ये नहीं कि अपना हाथ काटे, ये तुम्हारा अधिकार नहीं दिया गया। अगर हाथ काटते, ब्लेड से अपना अपने अंग को भंग करते अगर कोई देख लेता है ना, अगर न्यायालय द्वारा देख लेता है, अगर तो सोच लीजिए इसके बदले में जो है कार्रवाई तो होगी। आप खुद एक अपराधी हैं, ठीक, उसके लिए आपको अपराध खुद मिलेगा, ठीक। आप खुद को नष्ट कर रहे हैं लेकिन आपको खुद अपराध दिया जाएगा, और क्या पता आप दुनिया से ऊब गए हैं और आप मरना बचा रहे हैं, आपको नहीं जीने का पसंद नहीं है, लेकिन आपको अपराधी माना जाएगा। और आपको अगर ऐसा देखा जाता है तो आपको, आप मरना चाह रहे हैं, आप जीना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपको अपराध के स्वरूप में आपको जीने का अधिकार दिया जाएगा, ठीक। आपको बाध किया जाएगा कि आपको जीना है, ठीक, समझ रहे हैं। देखिए कितना उल्टा जा रहा है ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसलिए कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति जो है मरने का अधिकार उसको नहीं दिया गया है, इसलिए मरने की कोशिश जो है नहीं करे, ठीक। आइए कि कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी और निरोधक संरक्षण देखते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोधक से संरक्षण, कुछ दशा मतलब स्थिति होती है उसमें, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध, निरोध मतलब नजरबंदी होता है, गिरफ्तारी ही बोल लीजिए इसको भी, निरोध मतलब नजरबंदी। सरकार जो है किसी को अरेस्ट करती है ना, तो उसके संबंध में जो कुछ संरक्षण दिया गया है कि किस प्रकार से जो संरक्षित रह सकता है। मान लीजिए किसी को गिरफ्तार करना है तो जाकर के केवल गिरफ्तार करके ले जाया जाए, वो अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकता है, ठीक। तो उसके बचाव के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हमारे संविधान में, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। अनुच्छेद 22 के कितने भाग हैं, दो भाग है। पहला भाग जो है साधारण कानूनी मामलों से, साधारण कानूनी मामला समझ रहे हैं, कोई भी अगर साधारण कानूनी मामला में आपको अरेस्ट किया जाता है तो उसको सीधे ले जाया जाएगा, और इसके लिए जो है प्रावधान किए गए उसको हम लोग देखेंगे। और जबकि दूसरा जो है निवारक निरोध मामलों से संबंधित, अब निवारक निरोध क्या है इसको हम बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, और काफी इंटरेस्टेड है निवारक निरोध, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे पहला भाग जो है साधारण कानून। साधारण कानून मतलब FIR किए, पुलिस आया पकड़ कर ले गया, ठीक। तो ये तो साधारण मामला, अगर कोई अपराध किए हैं, कोई भी छोटा कोई झड़प हो गया है, कोई हिंसा हो गया है, या किसी को आप दुख पहुंचाए, मतलब कोई ऐसा कानून का काम किया जिससे कि विधि का उल्लंघन होता है, तो उसमें जो है साधारण प्रक्रिया द्वारा आपको अरेस्ट किया जाएगा, ठीक। जब तक कि अरेस्ट तो करके ले जाया जाएगा, लेकिन तो जब तक आपको अपराधी तो तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि आपको जो है सिद्ध नहीं हो जाता है, वो तो अनुच्छेद 20 कहता ही है, लेकिन आपको अरेस्ट करके ले जाया जाएगा, ठीक। जब आपको अरेस्ट करके ले जाया जाएगा, तो ये अ को देखते हैं, पहला भाग जो है अ और दूसरा भाग ब, ठीक। इस अनुच्छेद के अनुसार जो है जब कोई व्यक्ति साधारण कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है, इस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति और साधारण कानून के तहत जो गिरफ्तार किया जाएगा, तो उसे गिरफ्तार करने के आधार एवं कारणों से परिचित कराया जाना चाहिए जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, ठीक। आप मान लीजिए किसी को भी गिरफ्तार साधारण कानून द्वारा जा रहे हैं गिरफ्तार करने, तो सबसे पहले आपको बताइए कि आप किस लिए उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक। ऐसे ही नहीं गए और तुमको गिरफ्तार किया था, आप लोग मूवी में देखते हुएगा कोई भी जाता है तो कहता है आपको यू आर अंडर अरेस्टेड, ठीक। ऐसे मूवी में डायलॉग मिलता है सुनने को, तो वो बोलता है कि किस जुर्म में, ठीक। तो वो दिखाता है कोई ना कोई जो है आपको उसका प्रूफ दिखाता है कि इस आधार पे जो है आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक। तो आपको आधार बताना जो है जरूरी है, ठीक। उसके बाद दो को देखते हैं कि इसमें दो को देखते हैं, इसमें अपनी रुचि से जो है विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा कि आप किसी भी से मिल नहीं सकते हैं, इसमें आप अपने इंटरेस्ट के साथ, अपने बचाव के साथ किसी भी विधि व्यवसायी अर्थात किसी भी वकील को जो है आप रख सकते हैं अपने बचाव के लिए, आपका जो है केस लड़ सकता है आपको बचाने के लिए, आपको न्यायालय का रुख कर सकता है, ठीक। समझ में आ रहा है ना, तो यह जो है आप को अधिकार दिया गया है, ठीक। उसके बाद आइए अगला देखते हैं, 3 नंबर को देख लेते हैं। 3 नंबर जो है उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जो है निकटतम न्यायाधीश के समक्ष जो है पेश किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसे गिरफ्तारी के 24 घंटा के अंदर जो है निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा, पेश किया जाएगा, ठीक। और 24 घंटे से ज्यादा समय तक जो है उसे बंदी नहीं बनाया जाएगा, ठीक। 24 घंटे से ज्यादा जो है उसको बंदी नहीं बनाया जाएगा, आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा, ठीक। 24 घंटा से ज्यादा समय के लिए उसको बंदी भी नहीं बनाया जा सकता है, उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जो है आपको न्यायालय के समक्ष पेश कीजिए, न्यायालय जो फैसला करेगा वही होगा, ठीक। 24 घंटा के अंदर किसी को आप ले जाते हैं जेल में रखने, तो लेकिन 24 घंटे से ज्यादा समय का आप बंदी नहीं बना कर रख सकते हैं, और जो बंदी बनाता है वो खुद अपराधी की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक। लेकिन यह अपवाद आता है अनुच्छेद आपको 4 में, यह आता है 4 में, अनुच्छेद 4 में यह आ जाता है 22 के 4 में कि यह संरक्षण जो है विदेशी शत्रु एवं निवारक निरोध के अंतर्गत जो है गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, ठीक।
अगर मान लीजिए कोई विदेशी शत्रु है, कोई मान लीजिए पाकिस्तान का कोई एजेंट है, वो आ जाता है, तो उसको 24 घंटा के अंदर आपको नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो देखिए हमारे नागरिकों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि जब तक अपराधी है 24 घंटा के अंदर को उसका अपराध प्रूफ नहीं होता, न्यायालय के सामने ले जाइए, प्रूफ होगा तभी उसको रोक सकते हैं, नहीं तो आपको आपको थाना जो है आपको जानबे करते हैं बंद करके किस तरह पिटाई करते हैं, कुछ हमारे संविधान में और है, और जो नहीं जानते हैं उनके साथ दुरुपयोग होता ही होता है। तो इसलिए आप लोग जागरूक बनिए, संविधान को पढ़िए, विशेष रूप से आप लोग जानिएगा तो किसी भी मुद्दे पर आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक, तो 24 घंटे के अंदर जो है निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा और 24 घंटे ज्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं। लेकिन यह संरक्षण जो है, यह बचाव जो करता है, विदेशी शत्रु को नहीं देता है, विदेशी शत्रु कोई आता है उसको नहीं दिया जाएगा, उसको जो है 24 घंटा से ज्यादा कितना उस समय के लिए उसको रख सकता है। और निवारक निरोध, निवारक निरोध के अंतर्गत भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। अब निवारक निरोध ये बार बार शब्द है, इसको हम लोग आज देख लेते हैं। ठीक, निवारक निरोध आखिर है क्या? ठीक, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। निवारक निरोध को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन। निवारक निरोध जो है इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए नजरबंद किया जा सकता है। देख रहे थे वहां पर हम लोग न्यायालय में जाना है सबसे पहले, जब तक कुछ नहीं होगा तब तक उसको 24 घंटा से ज्यादा रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है न्यायालय की, थी न्यायालय का निर्णय का लेने का कोई जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट जो है किसी भी व्यक्ति को पकड़िए और उसको जेल में डालिए। ठीक, इसके अंतर्गत जो है किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए नजरबंद किया जा सकता, नजरबंद मतलब गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे ये देखते हैं, थोड़ी गला फंस रही है, थोड़ा तबीयत खराब है 2 दिन से, समझे। चलिए आगे देखते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं। निवारक निरोध का तात्पर्य जो है, निवारक निरोध का तात्पर्य मतलब किसी प्रकार के अपराध किए जाने के पहले, किसी अपराध किए जाने के पहले और बिना किसी प्रकार के न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंदी है। अब अपराध कोई किए नहीं है, ठीक, कोई अपराध आप मान लीजिए किए नहीं है, ठीक, और आपको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के, आपको कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, कोई जो है आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुति नहीं किया जा रहा है। ठीक, तो इसको जो है आपको सीधे तौर पे जो है आपको बंदी बना करके रख दिया जा रहा है। यह व्यक्ति को जो है अपराध के लिए दंडित नहीं करता, वरन जो है उसे अपराध करने से रोकता है। मतलब यह निवारक निरोध अधिनियम वह है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्र विरोधी काम करने वाला है भविष्य में, और उसके सूचना जो है सरकार की गुप्त एजेंसियों को मिलती है, ठीक, तो उसको जो है तुरंत आपको जो है गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन देखिए वो अपराध अभी किया नहीं है, लेकिन उसको केवल इसलिए कि कर सकता है, ठीक, और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए कितना मतलब अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है, इसके विरोध भी बहुत हुआ है संविधान सभा में, ठीक, इसको गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन देखिए हमारे संविधान में आपको दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार, किसी को आपको स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरे का विरोध है कि नहीं, वो तो सबसे पहले आपको इसके न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा ही किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी कोई जो है अभी अपराध किया भी नहीं और तुरंत उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है व्यक्ति को अपराध के लिए दंडित नहीं करता, वरन जो है उसको अपराध करने से रोकता है, ठीक। देखिए इस पर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या सफाई देते हैं इसको लेकर के संविधान सभा में, उसमें बोले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में इसका समर्थन किया था और कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि कार्यपालिका ऐसे व्यक्तियों को नजरबंद करे अर्थात गिरफ्तार करे जो सार्वजनिक हित को संकट या देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करता है, समझ रहे हैं। कहे थे कि वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है, उस समय सन 1950 के लगभग में यह आवश्यक है कि कार्यपालिका अर्थात प्रशासन के अंग जो भी है ऐसे व्यक्तियों को नजरबंद करे, ऐसे व्यक्ति जो भी है जो सार्वजनिक हित को, मान लीजिए कि सार्वजनिक कहीं पे सभा हो रहा है, कहीं पे पूजा हो रहा है, कहीं पे आपको बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वहीं पे कोई बम फट जाए, कोई ऐसा घटना हो जाए, कोई भगदड़ हो जाए, तो ऐसा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को अगर ऐसा कोई करता है ना तो उसको बिना कोई प्रूफ के जो है उसको गिरफ्तार किया जाएगा, नजरबंद किया जाएगा, या देश की आंतरिक सुरक्षा को जो खतरा उत्पन्न करता है, ठीक, ऐसा लगता है कि यह अटैक वटैक कहीं करने वाला है तो उसी स्थिति में, ठीक। तो ये तो अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन इसके दुरुपयोग भी बहुत होता था, ठीक। कोई व्यक्ति को ऐसे ही जाकर पकड़ लिया जाता था, मान लीजिए गलत भी हो, क्या पता वो सच ना हो, तो इसके देखिए दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं, इसका दुरुपयोग भी शुरू हो गया था। लेकिन संविधान सभा के इस तर्क को जो है संतुष्ट नहीं हो सकी तथा संविधान में काफी आलोचनाएं हुई। संविधान सभा जो थी इस तर्क से, अर्थात उसमें जो भी लोग थे हमारे संविधान सभा में, वे लोग इस तर्क से जो तर्क दिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संतुष्टि नहीं हो सकी उन लोगों को, ठीक, तथा उसको जो है काफी आलोचनाएं हुई। आलोचनाएं मतलब ये नहीं कि बुराई हुई, बुराई तो एक तरह से गाली है, बुराई का नहीं, आलोचना, आलोचना का मतलब उसको जो है उसकी अच्छाई को ध्यान में रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उससे ज्यादा जो है उसकी बुरा, उसको एक तरफ तो अच्छा हमको देखने को मिल रहा है लेकिन उसका दुरुपयोग भी काफी हो रहा है, या फिर बुराई नहीं कहेंगे हम, आलोचना और बुराई काफी जमीन आसमान का फर्क है, ठीक। तो वही चलिए आगे देखते हैं। अब आलोचनाएं कौन कौन क्या क्या किए थे, उसमें न्यायाधीश थे बख्शी टेकचंद, उस समय के न्यायाधीश थे बख्शी टेकचंद, इन्होंने एक आपको ये अपना कथन रखे हुए थे, इन्होंने बोला था कि एक तरीके से बोलिए कि यह स्वतंत्रता का जो है दमन है, क्या है, स्वतंत्रता का दमन किया जा रहा है तथा मौलिक अधिकारों का जो है एक तरीके से जो है आपको
हटाया जा रहा है। ठीक, कुछ लोग कह रहे हैं कि आइए देते हैं, विश्व में यह बोले थे न्यायाधीश बख्शी टेकचंद, जो आपको एक तरीके से जो दमन है और आपको स्वतंत्रता का, आपको बता ही चुके हैं कि स्वतंत्रता का भी जो है आपको करता है। ठीक, स्वतंत्रता का हनन पत्र भी बोले हुए थे। ठीक, कुछ लोग जो है कहे थे कि आपको ठाकुरदास भार्गव कुछ थे, ये बोले थे कि असफलताओं के शिरोमणि है। ठीक, इसमें हम लिखे नीचे लिखे हुए हैं असफलताओं का। और डॉक्टर गोपीचंद को देख लीजिए, सबसे पहले देख लीजिए, विश्व का कोई ऐसा लिखित संविधान नहीं जहां साधारण स्थिति में मुकदमा चलाए बिना नजरबंदी की व्यवस्था हो। जब तक साधारण, विश्व में ऐसा कोई कानून नहीं है जहां पर लिखित संविधान हो और वहां पर जो है आपको बिना कोई साधारण प्रक्रिया का, बिना के आपको न्यायिक प्रक्रिया का जो है उसको नजरबंद कर लिया गया हो, यह भारत में है। इसलिए आलोचना देखिए किस प्रकार से हो रहा है। यह डॉक्टर आपको, ये थे संविधान सभा के सदस्य थे डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, ये कहे हुए थे कि हमारी सफलताओं असफलताओं का राजमुकुट है। मान लीजिए हमारे असफलता, हमारे ऐसा बात थोड़ी कि किसी भी चीज में हमेशा सफलता ही मिलती है, असफलता तो मिलती है ना, लेकिन इसमें जो है देखिए यह किस चीज की उपमा दिए हुए हैं, असफलताओं का राजमुकुट अर्थात सबसे बड़ा जो है यही जो है असफलता है, सबसे ऊपर सिरोपरि है। ठीक, यह महावीर त्यागी बोले हुए थे कि मूल अधिकारों का निषेध है। निषेध मतलब प्रतिबंधित करता है, हमारा मूल अधिकार जो है एक तरीके से दिया गया है लेकिन मूल अधिकार का जो है विरोध कर रहा है। तो सही मायने में हम तो इस तर्क से जो है हम सहमत हैं, लेकिन इस तर्क भी कहीं ना कहीं हम लोग भी सहमत होना चाहिए, लेकिन दिख रहा है, लेकिन इससे जो है कहे हुए हैं इससे तो काफी लग रहा है। ठीक, इसका दुरुपयोग हो रहा है, कंडीशन में देख लीजिए। आइए, नोट में जो है इसका प्रयोग शांति तथा संकट दोनों समय में जो है किया जा सकता है। निवारक निरोध का उपयोग जो कब किया जा सकता है, शांति तथा संकट। मान लीजिए कहीं पर शांति चल रहा है और वहां पे कोई ऐसा काम करने वाला है जो उस शांति को भंग करने वाला है, ठीक, तो उसको जो है शक के आधार पर जो है उसको, या कहीं सूचना मिलता है तो पूर्व सूचना के आधार पर भी उसको गिरफ्तार किया जा, नजरबंद किया जा सकता है। ठीक, और संकट, संकट मान लीजिए कहीं आने वाला संकट आ रहा है और उस समय भी पता चल रहा है इससे भी बड़ा संकट लेकर के कोई आ रहा है, ठीक, कोई भी व्यक्ति है, तो उसको भी जो गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक, तो आप लोग देखिए किन तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं। चलिए, अब अनुच्छेद 22 का जो है भाग दूसरा है ब, हम लोग पहले भाग को देखें, वो हम निवारक निरोध उतना बताएं, उसके बारे में और भी दो तीन चीजें हैं उसको हम बता रहे हैं आगे चल करके। और अनुच्छेद 22 को देखिए, 22 का आपको, 22 का पहला भाग को देखें और 22 के दूसरा भाग को देखिए। 22 का दूसरा भाग जो है निवारक निरोध से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। क्या करता है, मान लीजिए निवारक निरोध से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है, कौन कौन से चीजें जो है निवारक निरोध के अंतर्गत जो है आते हैं। ठीक, आइए देखते हैं क्या क्या चीज जो है निवारक निरोध के संबंध में कहता है। पहला जो है, यह पहला पॉइंट नहीं है, इसमें हम लिख दिए दो पॉइंट बात करके, देख लीजिए क्या है। यह उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें की दंड विषय कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। ठीक, जो भी व्यक्ति को दंड विषय कानून के अंतर्गत जो गिरफ्तार कर लिया गया है उस व्यक्ति के ऊपर यह निवारक निरोध लागू नहीं होगा। ठीक, दंड विषय के रूप में, मान लीजिए कोई दंड देने के लिए है आपको, अपराधी मान लिया गया है। ठीक, और उसको जो है पाया जाता है कि अरे ये तो कुछ ऐसा काम करने वाला है जिससे कि शांति और शांति भंग हो सकती है, राष्ट्र के विरोध कोई काम कर रहा है। ठीक, तो उस स्थिति में जो है आपको निवारक निरोध कानून नहीं लागू होगा, जिसको दंड विषयक कानून के ही अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक, वहां पर इसको अंतर्गत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये इसी कानून का जो है यह गिरफ्तार रहेगा। ठीक, तो अब देखिए कहीं ना कहीं अच्छी बात है। उसके बाद अगले पॉइंट को देख रहे हैं, यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों को उपलब्ध है। यह सुरक्षा जो है नागरिक और विदेशी दोनों को उपलब्ध है। यह जो सुरक्षा दी गई है ऊपर वाला, नागरिक और विदेशी दोनों को उपलब्ध है। आइए देखते हैं कौन कौन सी सुरक्षा है इसमें शामिल किया गया है। देखते हैं कि यह सुरक्षा नागरिक और विदेशी दोनों को शामिल किया गया है और इसमें शामिल है क्या क्या चीजें शामिल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, पहले पॉइंट को आइए देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो है, निवारक निरोध के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्या है, निवारक निरोध के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाए, लेकिन 1950 ईस्वी में जानते हैं 1 साल के लिए गिरफ्तार किया जाता था। ठीक, और उसमें जो है आपको न्यायालय के समक्ष जो है सरकार बाध्य भी नहीं था कि उसका कारण बताएगी क्यों उसको गिरफ्तार किया गया, आपको बता रहे हैं उसके बारे में इतिहास में हम उसको बता रहे हैं, लेकिन इसको देख लीजिए। निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक, अभी अभी वर्तमान में है, लेकिन यदि संबंधित व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय तक रखना आवश्यक है, लेकिन यदि संबंधित व्यक्ति है और 3 माह से अधिक समय तक रखना आवश्यक है, तो इसके लिए जो है सलाहकार बोर्ड की सम्मति अनिवार्य है। एक परामर्श बोर्ड का गठन होगा, परामर्श, और उसमें 3 सदस्य होंगे, उस परामर्श बोर्ड में 3 सदस्य होंगे और उसी की सलाह पर जो है आपको 3 माह से अधिक अगर उसको रखना है तो इसकी सलाह आपको इस बोर्ड से लेना पड़ेगा उस व्यक्ति के लिए। ठीक, कि 3 महीने से ज्यादा जो है सरकार उसको नजरबंद रखेगी, गिरफ्तार रखेगा प्रशासन, तो इस बोर्ड से जो है, और इस बोर्ड में 3 सदस्य जो रहेंगे वो न्यायाधीश के समकक्ष होंगे। ठीक, मान लीजिए किसी न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं या उसकी योग्यता रखे हुए हैं या पूर्व न्यायाधीश, भूतपूर्व न्यायाधीश हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनको भी इस सदस्य में रखा जाएगा। ठीक, लेकिन अगर अगर बात करें, लेकिन अगर हम बात करते हैं देखिए, लेकिन यदि संबंधित व्यक्ति को 3 माह से जो है अधिक समय तक रखना आवश्यक है, इसके लिए जो है सलाहकार बोर्ड की समस्तुति अनिवार्य है। लेकिन अगर बात करें कि
तीन माह से कम समय के लिए अगर उसको रखना है, ठीक, 3 माह से कम समय के लिए अगर उसको रखना है तो उस स्थिति में जो है आपको इस बोर्ड से भी सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक, इस बोर्ड से कोई सलाह लेने की आवश्यकता उसको नहीं है, ठीक। चलिए अगले पॉइंट को देख लेते हैं, 2 नंबर को। 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में कि सलाहकार बोर्ड का गठन जो है, सलाहकार बोर्ड का गठन न्यायालय के वर्तमान अथवा भूतपूर्व न्यायाधीश अथवा समकक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से मिलकर होगा। आपको बताइए, परामर्श बोर्ड भी बोल सकते हैं या परामर्शदात्री बोर्ड, एक बोर्ड का गठन किया जाएगा, उसमें 3 सदस्य होंगे और तीनों सदस्य जो होंगे आपको न्यायाधीश के समकक्ष योग्यता रखने वाले होंगे, न्यायाधीश के समकक्ष अर्थात न्यायाधीश के जैसे। मान लीजिए कि न्यायाधीश के योग्यता क्या क्या चाहिए इसको आप लोग पता है, आपको लॉ का जानकारी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए, काफी तभी तो बनते हैं आप लोग। आगे देखेंगे हम लोग जो उच्च न्यायालय पढ़ेंगे तो न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में, ठीक। अभी आप लोग इतना ही समझिए कि न्यायाधीश के समक्ष जो है योग्यता रखनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक, इतना समझ में आ गया। इस बोर्ड द्वारा इस आशय की समस्तुति देने के बाद ही गिरफ्तारी की अवधि 3 माह से अधिक से जो है बढ़ाई जाएगी, ठीक। 3 माह से अगर अधिक के लिए उसको रखा जाएगा, 3 माह से अधिक अवधि के लिए अगर किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो सबसे पहले आपको इस बोर्ड से परमिशन लीजिए कि आप इस व्यक्ति को जो 3 माह से अधिक के लिए निवारक निरोध अधिनियम के तहत जो है आप उसको किए हुए हैं, आपको बंदी बनाए हुए हैं, तो ठीक, तो उसके लिए जो है आप परमिशन लीजिए। अगर आप जब तक ये परमिशन नहीं देता है, मतलब आपको समस्तुति प्रदान नहीं करता, सारे जो है अपने एक साथ जो है अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर देते और इसमें हामी नहीं भरते हैं सारे तीनों सदस्य जो है, तब तक जो है इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए कि संसद द्वारा बनाया गया निवारक निरोध कानून, ठीक, कुछ जो है संसद आपको संसद को आपको बताया कि संसद को यह अधिकार दिया गया कि निवारक निरोध से संबंधित कुछ जो है कानून बना सकता है, ठीक। संसद को क्या अधिकार दिया गया कि निवारक निरोध अधिनियम के तहत जो है यह कुछ कानून को बना सकता है, ठीक। आइए देखते हैं, ठीक। इसके लिए जो है आपको संसद सर्वप्रथम निवारक निरोध अधिनियम सन 1950 को लाता है। क्या लाता है? सन 1950 को, निवारक निरोध अधिनियम सन 1950 को लेकर के आता है, ठीक। चलिए देखते हैं नीचे की तरफ। सरकार ने संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर रहकर, सरकार जो है संविधान के जो भी मर्यादा है उसके सीमा में रहकर ही, सीमाओं के अंदर रहकर 1950 ईस्वी में एक निवारक निरोध अधिनियम पारित किया। क्या किया? एक निवारक निरोध अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम द्वारा इसकी अवधि 1 वर्ष रखी गई। क्या रखा गया? इसकी अवधि 1 वर्ष रखी। किसी भी व्यक्ति को अगर केवल शक के आधार पर अगर जो है उसको गिरफ्तार किया जाता है तो 1 वर्ष के लिए जो है गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग हैं 3 महीना है, लेकिन 1950 का बात हो रहा है, ठीक। अभी संविधान हाल फिलहाल में लागू ही हुआ था, ठीक। आइए आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा इसकी अवधि 1 वर्ष रखी गई। इस अधिनियम द्वारा जो है केंद्रीय तथा राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया। क्या दिया? किनको किनको अधिकार दिया गया? तो केंद्रीय तथा राज्य सरकार को, कि इसके द्वारा जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 1 साल तक जो है जेल में डाल दीजिए, नजरबंद करके रख दीजिए, ठीक। लेकिन केवल तो आप प्रूफ नहीं ना कर सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक। आगे देखते हैं। यदि राज्य को यह संतोष हो या विश्वसनीय सूत्रों से पता लग जाए, यदि राज्य जो है यदि वो संतोष हो या विश्वसनीय सूत्रों से पता लग जाए कि किसी व्यक्ति का कार्य जो है भारत की सुरक्षा तथा अन्य क्षेत्रों के साथ भारतीय संबंध या शांतिपूर्ण स्थिति, भारत की सुरक्षा को या अन्य देशों के साथ जो है भारतीय संबंध या शांतिपूर्ण स्थिति या राज्य की शांति या सुरक्षा या देश की आवश्यक पूर्ति सेवाएं, जो भी इसको पूर्ति सेवा की जा रही है, सर्विसेज देश को जो है दी जा रही हैं, कोई भी सेवाएं हो सकती है, कोई नौकरी में है, कोई अपना अलग अग अलग सेवा दे सकता है, सारी चीज़ जो सेवा ही ना, टेलीकॉल आपको इतना सेवा क्षेत्र आप लोगों को देखिए और साथ में आपको मिल जाएगा, ये संचार, रेलवे, यातायात, परिवहन, आपको सारी चीज़ तो है ही, सेवा ही ना है, तो बनाए रखने के विरुद्ध है। अगर ये सारी चीज़ें सेवा को बनाए रखने के विरुद्ध कोई काम करता है तो संबद्ध व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत रख सकती है, ठीक। कौन कितने चीज़ों को रख सकती है? तो इतने चीज़ों को, ठीक। देख लीजिए, कोई व्यक्ति है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, ठीक, उसके विरोध में कोई काम कर रहा है, अन्य देशों के साथ भारतीय संबंध को, अगर भारतीय संबंध को बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहा है, ठीक, या शांतिपूर्ण स्थिति को जो है बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहा है, उसको आपको नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है, राज्य की शांति में जो है बाधा बढ़ रहा है, विघ्न डाल रहा है, सुरक्षा को जो है खतरा के सुरक्षा के लिए खतरा है, और देश के लिए जो है आवश्यक पूर्ति सेवाएं, जो भी देश के लिए आवश्यक पूर्ति सेवाएं, रेलवे, परिवहन, आपको बताइए कि यह कितना सेवाएं हैं, आप लोग नजर में आप लोग दौड़ाइए कितना सेवाएं हैं, पूरी चीज जो है सेवा के आधार पर आजकल चल रहा है सरकार द्वारा, ठीक। तो बनाए रखने के लिए जो है विरुद्ध है, तो संबद्ध व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत रख सकती है, ठीक। तो आप लोग समझ लिए कि निवारक निरोध अधिनियम क्या है, और निवारक निरोध अधिनियम के लिए जो है आपको बता ही चुके हैं कि उस समय जो आपको तीन सदस्यीय जो है आपको गठन किया गया, और उस समय क्या किया गया 1950 के लगभग में कि आपको 3 सदस्यीय आपको परामर्शदात्रा का गठन किया जाता है, ठीक, और एडवाइजरी का और परामर्शदात्रा के व्यक्ति को जो है 30 दिनों के अंदर जो है आपको मंडल तक जो है सम्मुख रखा जाता है। 30 दिन के अंदर किसी भी व्यक्ति को आपको रखा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको 30 दिन के अंदर जो है आपको पुष्टि करनी होगी, ठीक। यह व्यवस्था किया गया, लेकिन यह संशोधन किया गया,
कब, सन 1951, 1953 तथा 1963 में। सन 1950 का जो अधिनियम था काफी कड़ा था, इस उस ध्यान में रखकर सन 1951, 1953 तथा 1963 में जो है इसमें संशोधन कर दिया गया तथा उसको उदार बनाने का प्रयत्न किया गया। ठीक, और इसी के तहत जो है उसको जितने भी अपवाद मामलों को जो है 30 दिनों के अंदर परामर्शदाता मंडल के सामने रखने की जो है पेशकश की गई थी उस समय। और परामर्शदाता जो है मंडल उन्हीं व्यक्तियों को रखा जाए, मतलब ऐसा प्रावधान किया गया कि उन्हीं व्यक्तियों को जो है परामर्शदाता मंडल में रखा जाएगा, आपको बताएं चुके हैं, जो न्यायाधीश के समक्ष योग्यता रखता हो। और इस परामर्शदाता मंडल के जो है केवल 3 व्यक्ति रह सकते हैं, आपको बताए किए हैं। और इस व्यक्ति के समय समय में जो साल से अधिक निवारक में, 1 साल से जो है नजरबंद नहीं किया जा सकता है। ठीक, इतना आप लोग समझ लिए। अब आइए कि इसी से संबंधित एक और कानून बनता है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम सन 1971। इसको मीसा के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, मीसा। ठीक, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, यह भी निवारक निरोध अधिनियम ही था। इसको थोड़ा आप लोग सुन लीजिए, काफी इंटरेस्टेड है यह। ठीक, यह जो है काफी इंटरेस्टेड है, आप सभी को इसको जो है 1971 में लाया गया। आप सभी को पता है कि सन 1971 ईस्वी में आम चुनाव होता है। सन 1971 में क्या होता है, आम चुनाव। ठीक, और उसमें कांग्रेस को 2/3 बहुमत प्राप्त होता है, वह जीतता है भारी मतों से। ठीक, वह कुछ सरकार बनती है, सत्तारूढ़ पार्टी होता है कांग्रेस। और उन दिनों जो है 1971 ईस्वी में आपको पता है कि बांग्लादेश का विभाजन भी होता है साथ साथ। ठीक, बांग्लादेश का विभाजन भी होता है साथ साथ। तो बांग्लादेश का विभाजन के पश्चात जो है उन दिनों जो है अपने देश में राष्ट्रवादी जो भी लोग थे, राष्ट्रवादी आतंक फैला हुआ था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान जिसको कि हम बांग्लादेश बोलते हैं उससे शरणार्थी आ रहे थे, उधर से जो है शरणार्थी भारत में आ रहे थे, जिसको यहाँ पर नागरिकता लेने इधर चला है, जिसको उधर आना है उधर, जिस तरह हम लोग पाकिस्तान में नागरिकता पढ़ रहे थे उसी तरीके से इसमें भी शामिल था। ठीक, तो शरणार्थियों के साथ जो है ऐसा लग रहा था कि गुप्तचर भी आ रहे हैं, उनके जो गुप्तचर हैं जो कि आपको एक तरीके से बोलिए कि खुफिया विभाग के जो भी लोग थे उनके आने की आशंका बढ़ती देखी गई, जिस कारण जो है यह सत्तारूढ़ पार्टी जो है सन 1971 में 7 मई का दिन, आपको 7 मई था, 7 मई का 7 मई की तारीख थी, और उसी दिन जो है आपको आपको 1971 को राष्ट्रीय अध्यादेश जारी किया गया। राष्ट्रीय अध्यादेश के तहत उसको जो है आपको आंतरिक सुरक्षा अध्यादेश को जारी करके करके और इसको लागू किया गया। ठीक, इसको मीसा भी कहा जाता है, आप सभी को पता है। ठीक, मीसा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जो है परामर्शदाता के मंडल से सलाह लिए बिना संकट काल में अधिक से अधिक 21 माह को जो है नजरबंद लिया जा सकता है, किया जा सकता था। ठीक, 21 माह के लिए किसी भी व्यक्ति को जो है नजरबंद किया जाएगा, कितने दिनों के लिए, तो 21 माह के लिए। देखिए उधर जो है हम लोग देख रहे थे एक माह के लिए। ठीक, लेकिन अब 1 माह के लिए, भले 1 साल के लिए 1950 में था, आपको अब देख रहे हैं कि 3 महीना के अंदर उसको जो है परामर्शदाता से आपको आदेश भी लेना पड़ता था, तभी जो है 3 माह से अधिक के लिए जो है आप उसको सजा भी दे सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इसको बिना अब आदेश कोई लेने की जरूरत नहीं है, इसको देखिए थोड़ा सा कठोर बनाया जा रहा है। आदेश लेना, परामर्शदाता से कोई आदेश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वह जो है सीधे क्या कर सकता है, 21 माह के लिए नजरबंद कर सकता है, इसलिए जो है यह व्यवस्था जो काफी कठोर बनाया गया। और उसके पश्चात सन 1971 में तो आपको चुनाव हुआ, और 1975 में देखते हैं कि आपको अपने देश में जो है आपातकाल घोषित होता है। आपातकाल जो है आपको काला दिन कहा जाता है, अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी भी उस दिन को लेकर के काफी बोले हुए थे। ठीक, तो उस देश के अंदर जो आपात स्थिति की घोषणा की गई तथा मीसा व्यवस्था का जो है संशोधन में लाया गया, मीसा व्यवस्था को थोड़ी सी संशोधन करके और उसे और अधिक जो है कठोर बना दिया गया। इसके अंतर्गत जो है किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को जो है कचहरी का दरवाजा खटखटाने पर भी रोक लगा दिया गया। कोई व्यक्ति जो कचहरी पर जाकर के उसको जितने भी हम उनको अधिकार दिए गए थे ऊपर में देखे हैं कि कोई व्यक्ति को जो है आप गिरफ्तार तभी कर सकते हैं जबकि उसको जो है आपको आपको संरक्षण तो दिया जाएगा ना गिरफ्तार करने के विरोध में, मतलब न्यायालय में जा सकता है, कोई भी चीजें अपना रख सकता है, आपको वकील रख सकता है। देखिए यहाँ पर जो है ये सारी चीजों पर भी बैन लगा दिया गया। ठीक, और कांग्रेस सरकार जो है इस शक्ति का काफी दुरुपयोग की उस समय, कांग्रेस सरकार जो थी इस शक्ति का काफी दुरुपयोग करती है, अर्थात इसका फायदा उठा करके इसी आपको अधिनियम के तहत या मीसा अधिनियम के तहत जो है उस समय के जितने भी नेता थे उसमें जयप्रकाश नारायण भी थे। ठीक, उस समय के जितने भी प्रमुख नेता हुआ करते थे उनको जो है जेल में बंद कर दिया गया, और उन्हीं को केवल नहीं किया गया, उनके साथ साथ जितने भी नेता थे, प्रमुख नेता थे, उनके साथ साथ लाखों छात्र तथा प्रदर्शनकारी जो भी थे उनको सभी को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। देखिए कितनी, मतलब एक तरीके से बोलिए कि मौलिक अधिकार का हनन, मतलब दुरुपयोग हो रहा है कितनी कितनी मतलब बुरे तरीके से, एक तरीके से बोल रहा है। ठीक, यह भारतीय लोकतंत्र है ऐसा बोला जा सकता है, भारतीय लोकतंत्र में ऐसा हमारे इतिहास में हुआ है, सोचिए। तो इस प्रकार जो है निवारक निरोध अधिनियम अर्थात मीसा की जो है काफी आलोचना शुरू हो गई। ठीक, उस समय के जितना भी आपको दलित के लोग थे, वामपंथी दल थे, उसमें के जो भी वो इसका विरोध करने लगे, आज तो अर्थात जो भी इसके लोकतंत्र के जो सपोर्टक थे, मतलब सपोर्ट करने वाले, लोकतंत्र के जो मानने वाले, लोकतंत्र का जो है विचार वाले जो व्यक्ति थे, वे इनको आपको इसको आलोचना कर करके और इसको जो है किसी ने कहा इसको कानून विहीन है, यह कानून विहीन कानून है, लॉसलेस लॉ। ठीक, कोई कहता है इसको काला कानून, कोई कहता है कि यह मौलिक अधिकारों को जो है कुचलने का हथियार आ गया है। ठीक,
इस प्रकार से बहुत सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत कहा गया। और ये जो मीसा अध्यादेश जो है, ये तत्कालीन सरकार जो थी उस समय कांग्रेस, वो अपने निजी स्वार्थों के लिए ही बस लागू किया था, दूसरा कोई कारण नहीं था, बस निजी स्वार्थ को अपनी पूर्ति के लिए जो है आपको लागू किया। और इससे जितने भी आपको बताया गया कि प्रजातांत्रिक विचारधारा के लोग जो थे वो इसका काफी विरोध करने लगे। और क्योंकि जो भी व्यक्ति इसका विरोध क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो भी समाज में हमारे व्यक्ति थे जो कि अभी आपको निर्दोष व्यक्ति हैं, जो कि कोई दंड नहीं किया है, केवल उनको शक के आधार पर बंद किया जाए, बस इसी तरह किसी को पकड़ कर जेल में डाल दिया जाए। और इसी कारण जो देश में जो है प्रशासकों की काफी उस समय मानामानी चली थी, और कांग्रेस के सरकार में जो है प्रशासन की, और उस समय जो है निरंकुशता भी आ गई थी हमारे सरकार में, ठीक, निरंकुशता स्थापित हो गई थी। और लेकिन तत्पश्चात जो है सन 1977 में आपको पता है फिर जो है आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव होता है, और उस चुनाव की जो है उद्घोषणा की गई, और तब से जो है प्रमुख नेताओं को छोड़ दिया गया, और जनता सरकार ने जो है उस समय जो जनता संघ अभी भाजपा बनी हुई है, यही जनता सरकार जो है इसको समाप्ति करने की बात की, लेकिन यह जो कानून है अभी भी बरकरार है, ठीक। तो इतना चीज जो है आप लोग देखें मीसा कानून के बारे में, ठीक। और इसी तरीके से जो है और भी सारे कानून है, तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक। पांच कानून आप लोग इतना बारे में बता दिए, अब सोच आप लोग समझ सकते हैं कि मीसा क्या है, ठीक, यह निवारक निरोध अधिनियम क्या है, किसी को पकड़ के शक के आधार पर जो है बंद करना, ठीक। उसी को तरीके जो विदेशी मुद्रा एवं तस्करी निवारण अधिनियम, यह आया आपको सन 1974 में, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बताया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोफे पोसा, इसको शॉर्ट में बोला जाता है कोफे पोसा, आप लोगों को जानना हो तो नेट पर सर्च करिएगा कोफे पोसा आ जाएगा, और इसको जो है आपको टाटा सर्च कीजिएगा, इसको पोटा, ठीक, आपको आ जाएगा नेट पे, आप लोग सर्च कीजिए, गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए, और जानना हो तो, लेकिन नहीं जानिए यहाँ पर हम आपको काफी चीज बता चुके हैं, इतना ही ध्यान में रखिएगा निवारक निरोध अधिनियम से। विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा को कोई भी तस्करी कर रहा है ना, तो उसको बिना शक के आधार पर उसको भी गिरफ्तार करना है, ठीक, 1974 में यह पारित किया गया, ठीक। उसी तरह चौथे नंबर में जो है हम लोग देख लेते हैं कि यह नंबर इस तरह देख देख बता दिए हैं कि आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण निवारण मनहल अधिनियम, यह लिया गया कि आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलाप को कैसे कम किया जाए, इसके लिए भी एक अधिनियम पारित किया गया, टाडा जिसको कहा जाता है शॉर्ट में, इसे 1995 में जो है समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? 1995 में, ठीक, क्योंकि यह जो था काफी दुरुपयोग होता था इस कानून का भी। मान लीजिए कोई आतंकवादी नहीं, अपने देश के नागरिकों को ही केवल शक के बुनियाद पर आतंकी घोषित कर दिया जाए, ये काफी दुरुपयोग होता था, इसलिए जो है इसको भी हटा दिया। उसी तरह का प्रकार जो है आतंकवाद के निवारण अधिनियम से पोटा, जिसको 2002 में कहा गया, इसे 2004 में जो है निरस्त कर दिया गया, ठीक। इसे जो है आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा को 2004 में जो है 2004 में निरस्त कर दिया गया, लेकिन लागू हुआ था आपको 2002 में। तो फ्रेंड्स इतनी चीजें हम आप लोगों को बताए आज, और अगले वीडियो में जो हम ले देखेंगे आपको आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक। हम लोग अभी तो क्या देखे, दो अधिकार को देखे हैं अभी, मात्र दो अधिकार को, ठीक, एक स्वतंत्र, आपको सबसे पहले समता का अधिकार तथा समानता का अधिकार आपको देखे हैं, और दूसरा मौलिक अधिकार में क्या देखे, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रकार से जो है हम लोग को यह जो है समाप्त होता है अनुच्छेद 22 तक, और जो है कल जो है हम लोग देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या देखेंगे, शोषण के विरुद्ध। कल जो है हम आपको दो वीडियो डाल देंगे, आप हफड़ाइए मत, एक शोषण के विरुद्ध अधिकार भी रहेगा, और भूगोल में जो चीजें थी हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो आप लोगों को कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ना है, वो लास्ट ही है, उसके बाद जो हम लोग भारतीय वनस्पति को देखेंगे, ठीक। तो इतना आप लोग देखिए, अपनी कृपा दृष्टि जो है इस तरह बनाए रखिए, आप लोग पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। और एक बात और बोल देना चाहते हैं, आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा ना, तो हम दावे के साथ ये बोल सकते हैं कि आप हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, उसके डायरेक्टर को आप पढ़ाने लायक बन जाएंगे, ठीक। इतनी चीज अगर जानेंगे तो, ये नहीं बोलता हूँ कि आप इतना जानने से, आप लोग जब इतना जानिएगा ना, तो आपको नए चीज कहीं न्यूज़पेपर अखबार में कहीं आर्टिकल भी लिखेगा ना, तो आपको पढ़िएगा तो समझ में आएगा। ये सारी पिछली चीजें जब आपको याद रहती हैं, तभी तो आपको वर्तमान से जोड़ करके आगे देख पाएंगे, ठीक। तो आप लोग इसको पढ़िए अच्छे तरीके से, अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आकर जो भी चीज़ समझ में नहीं आई, जिस प्रकार से योगेश जी पूछे हुए थे, उस प्रकार से आपके तो मन में कोई ना कोई जो है प्रश्न उमड़ घुमड़ के बादल छाए हुए हैं, कोई भी प्रश्न जो थे उमड़ते घुमड़ते जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसको कमेंट कीजिए, हम बताएंगे, ठीक। क्योंकि देखिए हम भागते नहीं हैं, क्योंकि अभी हम भी आप लोग के साथ ही ना है, हम कोई टीचर नहीं है, हमारा पैसा नहीं है ऐसा, ठीक। ये जो है शौक से हम करते हैं पढ़ाना के काम, तो ठीक है, आप लोग इसी तरह की कृपा दृष्टि बनाए रखिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।